सही पता ना पता गलत है इश्क की बुरी लत छूटे नहीं। मियां ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, isn't it? Well, that's what love's all about. So welcome to ये है आशिकी सियापा इश्क का, co-powered by Lava Smart. Now imagine, अगर ऐसे किसी इंसान को प्यार हो जाए, एक ऐसे इंसान से जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो क्या होगा? Very simple, ऐसे में होगा सियापा. और स्यापा जब ऐसे में होता तो बहुत ही अलग लेवल का होता, जैसे इन दोनों के साथ हुआ. Let's have a look. कैसे हो बेटा? आचार हाँ जी, माँ ने भेजा है. हम अच्छे. चलो आओ. तुमने अच्छा किया तुम यहाँ आ गया. कहाँ तुम्हारा लखनऊ और कहाँ हमारा नोएडा. बड़े शहरों की अपनी बात है. आओ बैठो बैठो बैठो. वो क्या है ना कि यहाँ पे पढ़ाई का भी मजा है और कमाई का भी मजा है. और दिल्ली और नोएडा के कॉलेजेस तो पढ़ाई में सबसे बेस्ट है ना बेटा. मैं तो विधि को भी यही बोलता हूँ. एंड यू हैव टेकन अ गुड डिसीजन. जी विधि. जी पापा. बेटा पानी लेके आओ. और घर पे सब ठीक है? सब सब अच्छा. वेरी गुड. और कितने कॉलेजेस में इंटरव्यू के लिए आए हो तुम? जी छह. जितनों में अप्लाई किया था सभी से कॉल आ गए. यही कोई 10 दिन की बात है. हाँ बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो. हाँ थैंक यू. बचपन में तुम लोगों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब हम लोग लखनऊ छोड़ने वाले थे जी, तो इसकी इसकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू थे. और मजे की बात, इसको तुम्हारा नाम भी ठीक से लेना नहीं आता था. क्या बोलती थी? राधा. पापा राधा. दीदी खाने के बाद तुम राघव को उसका कमरा दिखा देना, ठीक है? हाँ जी. अच्छा नहीं लगा? हाँ? रूम? नहीं बहुत अच्छा है. अच्छा है? होगा ही. आखिर रूम किसका है? इट्स ओके राघव, आराम से रहो. तुम्हें फुल परमिशन दे रही हूँ रहने की. बस कुछ तोड़ना नहीं. हाँ वरना. नहीं नहीं, हमें मालूम नहीं था कि ये आपका कमरा है. हम नीचे ड्राइंग रूम में सो जाएंगे ना. ड्राइंग रूम. रिलैक्स राघव, इट्स ओके. 10 दिन की तो बात है, लाइफ टाइम की नहीं. राइट राइट. बस यार एक समस्या यहाँ पे. समस्या क्या? चूहे यहाँ पे.
हाँ यहाँ इधर ही होंगे ना। अच्छा तो जो है ज्यादा नहीं, एक मिस्टर चूहा और दूसरी मिसेस चूहिया। अनजान लोगों ना ज्यादा पसंद वसंद नहीं करते, और तो और काट भी लेते हैं अंधेरे में। अंधेरे में चलो मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ बाय बाय। हेलो। और हीरो, बड़े शहर में आके हवा लग गई है तेरे को। हाँ फोन वोन नहीं करता? अरे अभी तो पहुंचे हैं। चल कोई नहीं। अच्छा एक बात बता, ये शर्मा जी ने तेरे को जमीन पे तो नहीं सुलाया? अरे नहीं नहीं, अपनी बेटी का कमरा दिया है। अच्छा बेटी का कमरा दिया। वो सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी तीखी है। भाई देखो बोल देता हूँ, एकदम सीरियसली बोल देता हूँ, ये क्या है ना, ये कॉम्बिनेशन है, बहुत सही कॉम्बिनेशन है। तीखा मिजाज उसके साथ में खूबसूरती। मैं तो कहता हूँ पटा ले, क्या बोलता है? क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? अरे अरे हम कहाँ गलत बात कर रहे हैं, हम तो सही बात कर रहे हैं ना। अब क्या है तेरे को गलत? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थोड़ी ना है, इसको पटा ले सुखी रहेगा। मान ले बात। अच्छा चल हम रखते हैं, हमें फ्रेश होना है। ठीक है। अरे अरे सुन, कहाँ जा रहा है? अरे ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? क्या करें क्या करें क्या करें, अंकल को बता दे क्या? विभू को फोन करते हैं। क्या हुआ, चूहे खा गए क्या? अरे नहीं यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये शर्मा अंकल की बेटी ना घर छोड़ के भाग गई। क्या घर से भाग गई? अरे पीके बैठे हो क्या? अरे नहीं यार, हमारे सामने स्कूटर पर बैठी और ब्रूम निकल गई। बोल बता दे क्या? देखो भैया कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर एक बात हमेशा याद रख, छलांग मारने के पहले खड्डे की गहराई जरूर नाप लेना। क्या पता है लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही हो, है ना? तो एक काम करो सुबह तक रुक जाओ, अगर सुबह भी नहीं आई वो तो अंकल को बता देना। ठीक है। सही कह रहा है तू। ए हमेशा सही कहते हैं। बैठते हैं हम। अरे सुबह हो गई विधि, अंकल को बताना होगा। गुड मॉर्निंग, कम ना, क्या हुआ? रात को छूने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं चूहों ने तो परेशान नहीं किया, लेकिन एक काली बिल्ली ने किया। घर से कब बाहर गई कब अंदर आई पता ही नहीं चला। बेटा मैं एक बात सोच रही थी, तुम्हारे इंटरव्यू का आज पहला दिन है ना, तो तुम्हें रास्ते तो पता नहीं होंगे, तो मैं सोच रही थी कि विधि तुम्हें छोड़ आए। नहीं नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूँगा। नहीं बेटा इसमें क्या बात हो गई, विधि इसे छोड़ देना ठीक है। जा बेटा तुम फटाफट तैयार हो जाओ।
क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हो गया, नया लड़का है, उसे रास्ते नहीं पता है ना, ये भी कोई बात हुई? क्या पता है। बैठो जल्दी, खानी जाऊंगी। जय बजरंगबली। जल्दी बैठो वरना लेट होने से तुम्हारे हनुमान भी नहीं बचा पाएंगे। आराम से, धीरे चलाइए, हमें कोई जल्दी नहीं है। हे बजरंगबली बचाओ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, प्लीज 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 स्टॉप 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 स्टॉप, प्लीज स्टॉप स्टॉप। देखिए आप चले जाइए, हम चले जाएंगे पैदल। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हमें इतनी स्पीड की आदत नहीं है, आप चले जाइए। ओके राघा, अब तेज नहीं चलाऊंगी, बैठो। पक्का? हाँ हाँ पक्का। पक्का ना? पक्का, श्योर। और वैसे भी ना मैं स्पीड लिमिट में ही चला रही थी। चलाऊं? चलाऊं? एक सेकंड हाँ। पक्का? हाँ चलिए चलिए। कुछ भी बनाओ उन्हें पसंद ही नहीं आता, जब देखो तब नई नई फर्क। अरे मिता आ गए? जी हाँ जी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। थैंक यू। कैसा तुम्हारा इंटरव्यू? ठीक था। ने मुझे कल रात को घर से बाहर जाते हुए देखा तो नहीं? अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ऐसे घूर क्या रहे हो मुझे? नहीं हम कहाँ घूर रहे हैं। अच्छा तो नहीं, मेरे सामने इतनी सीरियस और इतनी गंभीर शक्ल क्यों बना के बैठे रहते हो? एक्चुअली हमारी आदत है लोगों को ऑब्जर्व करने की, आपको भी कर रहे हैं बहुत करीब से। माफ करिएगा हमें ही लेना है। अरे कहाँ चला गया ये? फोन पे उधर। अच्छा कितना अच्छा लड़का है ना राघव, इंटरव्यू से सीधे घर पे आया, कोई ऐप भी नहीं है, कितना शांत और सुशील लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद है राघव। माँ प्लीज, राघव ये राघव वो, राघव वैसा है राघव वैसा है, सब पता है ना आपको उसके बारे में। ये राघव जैसे लड़के ना बिल्कुल पापा की तरह होते हैं, एकदम बोरिंग और खड़ूस। कुछ भी बोलती रहती है, तेरे पापा क्या बुरे हैं? अरे मेरा मतलब क्यों, मेरे टाइप का नहीं है, प्लीज मुझे नहीं बात करनी इस बारे में कोई। उसने हमें बोरिंग क्यों बोला? बोरिंग है तो क्या हुआ, उसकी तरह बिगड़ायल तो नहीं है, पता नहीं रात को कहां जाती है। लेकिन हम उसके बारे में क्यों सोच रहे करता हूं। हाँ
भैया आगे चलिए। अब क्या हुआ? वो फिर घर से बाहर निकली, हम उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, पीछे पीछे जाओ, पता करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये जो स्कूटर है ना, इसी का पीछा करो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ बेटा, रात को ठीक से कमरे में नींद नहीं आई क्या? एक्चुअली ना आंटी, कल रात ना हमने हाय राम, जला दिया बेचारे को। विधि सॉरी, ऐसे हम इंटरव्यू के लिए तो नहीं जा सकते। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाकर कपड़े बदल कराओ। अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? मैंने जानबूझ के थोड़ी की है। सारी गलती तेरी है, अब तू ही इस गलती को ठीक करेगी। जा, उसको इंटरव्यू के लिए छोड़कर आ। ड्राइवर बना के रख दिया है। देख क्या रहे हो, जल्दी करो। सुनो, कल रात को मैंने पीछा क्यों किया? अरे वो तो बस ऐसे ही। क्या वो तो बस ऐसे ही? देखो एक बात ना, मैं साफ साफ क्लियर कर रही हूँ, अगर कल रात की बात का जिक्र गलती से मम्मी पापा के किया ना, तो देख लें। तो ऐसी बात कर रही हैं आप? चाय आप हम पर गिराती हैं, रात को गेट खोलकर आप हमें उठाती हैं, और अभी हमारा ये इंटरव्यू भी मिस करवा देंगी। अरे अगर हमें बताना होता तो हम अब तक बता नहीं दिए होते। अच्छा, बड़े शरीफ बन रहे हो। साफ साफ बताओ क्या चाहिए मेरी बात छुपाने के लिए। और हाँ, अगर किस विस मांगी ना तो सोच लेना, तुम्हारी जो जीभ है ना ये काट दूंगी। बात कर रही हैं आप? अरे क्या हम आपको ऐसे लड़के दिखते हैं क्या? आपने ऐसे सोचा भी कैसे? अच्छा तो कैसे लड़के आप? वैसा लड़का जो रात को आपके पीछे सिर्फ इसलिए गया था ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना हो। अरे हमें क्या मालूम था आप पूल खेलती हैं? अरे यार, तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे टाइप की जगह नहीं है वो। अच्छा, आपको क्या पता हमारा टाइप क्या है? और वैसे भी वो जगह कोई स्पेशल नहीं लगी हमको। ओ हेलो, वो जगह ना बहुत स्पेशल है, तुम क्या जानो। अच्छा स्पेशल है, ठीक है हमें भी दिखाओ, हम भी तो देखें कितनी स्पेशल है वो जगह।
ठीक है, दिखाती हूँ तुझे अपनी स्पेशल जगह। पठा किसी को बताना मत, आजा तैयार है ना, लेके चलती हूँ तुझे अपनी स्पेशल जगह अपनी दुनिया में, ठीक है? बी रेडी, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू। अंदर को अंदर किसने आने दिया? विवेका खास आदमी है, वरना इस कुर्ता छाप को अंदर कौन आने देता? सच में मजा आ गया वी के साथ, क्या कमाल की लड़की है। वी कौन है? अरे वी मतलब विधि, सब उसे वी बुलाते हैं, सूट करता है उसपे। बेटा तुम्हें है ना, वो हो गया है, वो जो रेबी से भी खतरनाक होता है ना, एश। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है। अरे हाँ यार, तुम्हें पता है लड़की को है ना उसी की दुनिया के घेरे में खड़े के इंप्रेस करना चाहिए। स्नूकर? हाँ वही, थोड़ा बहुत सीख लियो, सामने खड़े हो जाओ उसके, खेलने लग जाओ। अरे हीरो बन जाना, ऐसे इंप्रेस हो जाएगी, समझ गए? चलो अभी ऐश करो, बाय। अंडा भुर्जी तो उसने। अच्छा राघव एक बात बताओ, मेरा सच पता होने से पहले क्या चल रहा था तुम्हारे माइंड में? मेरा मतलब एक लड़की अकेली सी रात को चोरों की तरह घर से निकल के क्या करती होगी, है ना?
नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था हमने। मतलब ये सोचा कि शायद कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का चक्कर होगा। बॉयफ्रेंड? वो भी मेरा? थैंक यू। नहीं यार, मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है। और कोई भी बॉयफ्रेंड होगा तो ऑब्वियसली उसको मेरे रात में पूल खेलने से दिक्कत होगी। कोई भी आदमी, जैसे मेरे पापा, अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं रात में पूल खेलती हूँ तो अगले दिन ही मुझे घर में लॉक कर देंगे। लेकिन तुम बहुत अच्छा खेलती हो, आई मीन प्रोफेशनली भी खेल सकती हो। एक बार बात करके देखो ना अंकल आंटी से, क्या पता शायद मान जाए। नहीं राघव, कोई आदमी नहीं समझेगा। और ऐसे भी अब तो प्यार भी कंडीशंस अप्लाइड बैनर के साथ आता है। एक लड़की होना क्या होता है ना, ये तुम नहीं समझोगे। अरे क्यों नहीं समझेंगे? अगर हम आपके बॉयफ्रेंड होते ना तो कभी नहीं रोकते आपको पूल खेलने से, बल्कि हम तो प्राउड फील करते। जब भी आपको खेलते हुए देखते हैं ना तो एक स्माइल आ जाती है हमारे चेहरे पे। देखिए जैसे अभी आ गई है। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। काफी देर हो गई है, देखो अंकल आंटी जग गए तो। भाई पता है कौन सा दिन है? शनिवार ना। अबे पागल, आज हमारा सबसे बड़ा इंटरव्यू है। आज हम स्नूकर चैलेंज में पार्ट लेंगे और विधि को इम्प्रेस करेंगे। तेरे भाई ने सॉलिड प्रैक्टिस कर रखी है। ओह वेरी गुड भाई। अच्छा सुन, एक बात याद रखना, आज एकदम स्पेशल लुक में जाना, सल्लू भाई की तरह। विधि, हम सोच रहे थे कि पूल और स्नूकर के बारे में इतना कुछ तो जान ही चुके हैं, मतलब सीख चुके हैं ना, तो क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दे। एक सेकेंड, तुम पूल खेलोगे? देखोगे हमें खेलते हुए? Are you sure, रागा? Like... चलो चलो आज तुम्हें अपना गेम दिखाते हैं। आओ। हम भी खेलेंगे, अगर हार गए तो बियर की क्रेट हमारी तरफ से। है कोई चैलेंजर? चैलेंज। एक्सेप्टेड। इतना मत हंसो, तुम्हारे सामने मैं और विधि पूरी क्रेट खत्म कर देंगे। इतना कूद मत बच्चे, कभी कभी बिगनर्स भी गलती से शॉट कर लेते हैं। It was just a fluke.
बच्चे, निकल गया पूरा जोश सोडा की तरह। चलो बियर क्रेट निकाल। लूजर 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 तुझे जो कहना है हमें कह, लेकिन अगर इससे कुछ किया ना तोड़ कर रख दूंगा। वाओ रागा, क्या तशन दिखाई तूने, हैया स्टिक क्या स्टाइल से फेंका तूने। विधि घर चले प्लीज। नाश्ता, हमें भूख नहीं है, पैकिंग करनी है। चलो चुपचाप यहां बैठो और नाश्ता करो। बैठो। राघव, कल रात जो तुमने मेरे किया ना, वो बहुत ब्रेव था, सच्ची। सो फॉर दैट थैंक यू। उसमें वैसा क्या है, हमारी जगह कोई भी डिसेंट लड़का होता तो वैसा ही करता। अच्छा, तो कहाँ मिलते हैं ये डिसेंट लड़के? मुझे तो नहीं पता, मेरे हीरो तो बस तुम ही हो। चलो, कभी नोएडा दिल्ली आना हुआ तो मिलना जरूर, और एडमिशन हुआ तो भी बताना। हाँ ठीक है। राघव सुनो, तुमसे कुछ कहना था। बोलो। याद है एक बार माँ से बात करते हुए मैंने तुम्हें बोरिंग कहा था, उसके लिए सॉरी। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करा तो रियलाइज हुआ कि तुम बोरिंग नहीं हो, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है।
सच बताऊं, मैं जब भी तुम्हें याद करूंगी ना तो तुम्हारी स्टूपिड सी हरकतों पर मुझे बहुत हंसी आएगी। ये दस दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल थे राघव। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन अब हमें अपनी असली दुनिया में वापस लौटना है। छोड़ो हमें। ये तो मैं हेल्प करना था। अच्छा ठीक है, आप तो छोड़ो। I'll miss you, idiot. तुम्हारी बहुत याद आएगी। हमें तुमसे ज्यादा आएगी। बोल भी दो या ये भी सिखाना पड़ेगा क्या कि मुझसे कितना प्यार करते हो या ये भी हमें भी ये खाली बिल्ली बहुत पसंद है। वाह, राघव इज वन लकी गाय। सीरियसली, लेकिन ये मियां तो बिना कुछ कहे चल लिए। वो तो अच्छा था कि विधि ने समय रहते सब कुछ कह दिया, अपने दिल की बात कह दी। सो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। सो ये जो पल होते हैं ना, ये मैजिकल मोमेंट्स, डोंट जस्ट लेट देम गो। अगर आपके दिल में प्यार है तो कहो, अगर इश्क है तो अर्ज करो। कल को आपकी जिंदगी में भी कोई जादू हो जाए, बिलीव मी, इट हैपेंस। गिव इट अ शॉट। अंटिल नेक्स्ट वीक देन, आई विल सी यू विद येट अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तब तक के लिए, कीप फॉलिंग इन लव। ऐसी कहानियां और देखनी है? Well then, click below for more episodes from Bindaas ये है आशिकी। Click here for more shows from Bindaas। और Bindaas से सारी अपडेट्स जानने के लिए click on the subscribe button।